बोलिए लाडली लाल की जय, गौ माता की जय। आज किशोरी जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से जून महीने की गौ माता की गौ सेवा लेकर के चल रहे हैं और आज की सेवा जाएगी अंजन वन, जिसको आज की तारीख में आंजनो गांव कहा जाता है। वहीं एक संत विराजते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को गौ सेवा में समर्पित कर दिया। गौ माता की खूब सेवा करते हैं और लगभग 200 से 250 गौ वंश की सेवा बाबा महाराज करते हैं। आज की सेवा वहीं लेकर के चल रहे हैं और आज आनंद लेते हैं गौ माता की गौ सेवा का। आपको मैं बता दूं, 4 बोरी खलकी ली है हमने और 6 बोरा चोकर के हैं और 1 बोरा चुनी का है और 20 किलो गुड़ की सेवा, ये सेवा लेकर के हम चल रहे हैं आंजनो गांव। आइए आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करें। और आप भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं जिनको माध्यम बना करके स्वामी जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। तो आइए चलते हैं आंजनो गांव और आनंद लेते हैं आज की गौ सेवा का। आइए चलते हैं, बोलिए जय गौ माता जय गोपाल। और अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर बाबा की गौशाला पर। आइए बाबा को सेवा समर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और गौ माता की सेवा बाबा महाराज को समर्पित करते हैं। आप दर्शन करो संत भगवान के। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है गौ माता के लिए, आप स्वीकार करो। आपकी सेवा पहले से भी आपकी गौ भक्ति चलती है और अच्छा गौ भक्ति चलती रहती है, आज की बात नहीं बता आता रहे। बाबा सब श्री जी की कृपा मेरे को है, सब श्री जी करवा रही हैं, उनके प्रयास आपका है, उनके आदेश अनुसार में सेवा कर रहे हूँ। प्रयास तो है ना, श्री जी कृपा करती हो, प्रयास से भी तो करती है, आप प्रयास भी करते हैं। गौ सेवा उतर चुकी है, आइए अब आनंद लेते हैं गौ माता के दर्शनों का। कुछ गौ माता गौशाला में हैं और आप ये बच्चे देख रहे हैं गौ माताओं के, कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं छोटे छोटे। और कुछ गौ माता जंगल में चारा चरने के लिए गई हैं और सामने आप देख रहे हैं वहाँ कुछ गौ माता हैं अभी। और कितनी सुंदर व्यवस्था बाबा महाराज ने पंखा भी लगा रखा है गौ माताओं को गर्मी ना लगे। और आप देखिए कितने सुंदर लगते हैं गौ माता के छोटे छोटे बच्चे महाराज। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरी गौ माता की जय। आ जाओ आ जाओ,
और आइए थोड़ी सी गौ माता की सेवा गुड़ खिला करके करते, आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करो। आओ आओ आओ, देखो सब दौड़ करके आ गए हैं। आओ आओ, जय हो। कैसे जीभ से चाटते हैं महाराज, पीछे हैं, आ जाओ आप बड़ी गौ माताओं को भी गौ सेवा करते हैं। ये लो मां, जो भी घायल गौ माता होती हैं बाबा यहाँ लेकर के आते हैं गौशाला में, और फिर उसकी चिकित्सा करके फिर यहीं गौ माता की सेवा करते हैं। अपनो पूरो ही जीवन चंद्रशेखर बाबा, जिनको फरसा वाले बाबा के नाम से भी ब्रज में जाने जाए, बड़े भाव से गौ माता की सेवा करें और गौवंश की खूब रक्षा करें, क्योंकि गौरक्षक दल भी बाबा ने बना रखे है। जो आताताई लोग हैं जो गौ माताओं की तस्करी करते हैं, उनसे गौ माता को बचा करके लाना, यही बाबा की मुख्यतः सेवा है। बाबा पूरी पूरी रात्रि जाग करके इन गौ माताओं की रक्षा करते हैं और यहाँ ला करके फिर उनकी चिकित्सा होती है और उसके बाद फिर यही सेवा होती है। लगभग 250 से 300 गौ माता के आसपास यहाँ हैं गौवंश, जिनकी बाबा सेवा करते हैं, और आप सब भक्तों के माध्यम से ही इन गौ माताओं का खूब लालन पालन होता है। आज श्री जी ने कृपा की और आप भक्तों को माध्यम बना करके ये सेवा का कार्य संपन्न कराया। जून महीने की ये गौ माता की सेवा के आप दर्शन कर रहे हैं। आप भक्तों के ऊपर खूब हमारी किशोरी जी की कृपा और इन गौ माताओं की कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे और ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से ब्रजमंडल में इसी प्रकार से होते रहें, यही मैं मंगल कामना लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, इन सेवाओं में आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें ताकि ये सेवाएं बड़े रूप में हो सकें।